दोस्तों एक दिन बालबीर फुटबॉल से खेल रहा होता है, तभी बालबीर फुटबॉल को जोर से किक करता है और बॉल पेड़ से टकराकर बालबीर को लग जाता है, जिससे कि बालबीर को पैरों में चोट लग जाता है। दूसरी ओर जेठालाल अपने घर में खेल रहा होता है, तभी उसे घर में रखा एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से किसकी माँ सौतेली है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप बालबीर की माँ को देखेंगे तो वो बालबीर के चोट पर दवा लगा रही है और वहीं जेठालाल की माँ एक मामूली सा पोट टूटने की वजह से उसे पीट रही है। इसका मतलब कि इन दोनों में से जेठालाल की माँ ही सौतेली है। एक बार पुलिस को एक बैंक से फोन आता है। बैंक का मैनेजर उन्हें बताता है कि बैंक में तीन चोर घुस आए हैं। पुलिस ये सुनते ही अपनी टीम को लेकर बैंक में चले जाते हैं। वहाँ पर पुलिस तीन चोरों को पकड़ लेती है और उन सभी को जेल लेकर जाने लगती है। तो दोस्तों अब आप लोग इन तीनों चोरों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें कौन जेल से भागने वाला है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों मुझे तो इन तीनों में से दूसरा वाला चोर पावरफुल लग रहा है, क्योंकि वो एक रोबोट है और ये दोनों सलाखों के पीछे है। लेकिन रोबोट को तो कड़े से बांधा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है, इसलिए इनमें से दूसरा वाला चोर ही जेल से भागने वाला है।